अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा DU के एक और कोर्स के बारे में जिसका नाम है BVOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट। दोस्तों इस कोर्स की क्या डिटेल्स हैं, ये एक मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है और आप इस कोर्स को DU से अगर कर लेते हैं अच्छे से तो उम्मीद है एक बेहतर आपको जॉब मिल जाएगी। हेल्थ केयर का सेक्टर वैसे ही दोस्तों बूम कर रहा है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब के मौके आपको मिलेंगे और अच्छी जॉब के मौके आपको मिलेंगे। अच्छी का मतलब है यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो देखिए पूरी। आजकल वैसी जॉब की दोस्तों बहुत किल्लत हो रही है, लोग जॉब वाले कोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कैसे आपको मिलेगा, इसके अंदर एडमिशन कौन से कॉलेज हैं, कितनी फ़ीस है, सारी बात दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचते रहें। दोस्तों बात करते हैं इस कोर्स के मेन डिटेल्स के बारे में। दोस्तों BVOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये सिर्फ DU का एक कॉलेज है जो इस कोर्स को ऑफर करता है। सो कॉलेज का नाम है जीसस एंड मैरी कॉलेज वुमेन, W मतलब वुमेन। दोस्तों सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हैं, सिर्फ यहाँ पर सीट्स हैं आपके जनरल में सीट्स हैं 25, बाकी दोस्तों OBC NCL कोई सीट नहीं है, SC में कोई सीट नहीं है, ST में कोई सीट नहीं है, EWS में कोई सीट नहीं है। अब बचे दोस्तों मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए 25 सीट्स हैं क्योंकि ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है। उसका दोस्तों PWBD में 3 सीट्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ विडो में 3 सीट हैं और कश्मीरी माइग्रेंट 2 सीट्स हैं। तो सीट्स आर नॉट अ प्लेंटी ओनली, अगर बात करें इन टोटल यू हैव 58 सीट्स, इसमें 25 जनरल, बाकी मैंने आपको सारा जो कैटेगरी थी वो सब बता दी है। दोस्तों बात करेंगे आपको CUET में कौन से कॉम्बिनेशन लेना है अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्बिनेशन 1, इसको नोट कर लें आप अच्छे से, एक तो आपको लेनी है लैंग्वेज लिस्ट ए में, बहुत सारे लैंग्वेज हैं उनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। प्लस उसके दोस्तों वहाँ पर एक लिस्ट B1 होती है, उस वहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपके पास होगा 3 सब्जेक्ट, प्लस आपको एक सब्जेक्ट और लेना है दोस्तों, और वो दोस्तों आपको या तो लिस्ट B1 से हो या एक और लिस्ट है B2। तो इन टोटल यू हैव टू टेक 4 सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट B1 से, बाकी जो 4 सब्जेक्ट है वो या B1 से या B2 से। ये था कॉम्बिनेशन 1। अब बात करेंगे आपसे कॉम्बिनेशन 2 के बारे में। तो सेकंड कॉम्बिनेशन, आपको कोई भी आपको लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से, प्लस आपको B1 या B2 से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, प्लस आपको जनरल टेस्ट देना है। तो ये यहाँ पर दोस्तों हो गए आपके पास 3 सब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखें पहले वाले कॉम्बिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड वाले में दोस्तों 3 सब्जेक्ट हैं। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन आप ध्यान आप रखें, इसमें जो है ना क्योंकि एक 600 मार्क्स का है, एक 800 मार्क्स का है, तो इसमें दोस्तों जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा उसके बाद आपकी मेरिट यहाँ बनने वाली है। दोस्तों क्लास 12th में कितने परसेंट मार्क्स हो, दोस्तों क्लास 12th में आपको सिर्फ पास चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है DU में, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, लेकिन एक इशू है कि आपका क्लास 12th किसी भी सिंगल बोर्ड से होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे कुछ पेपर CBSE बोर्ड से पास कर लेते हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से पास कर लिया और एक आध फेल हुए वो पास कर लिए उन्होंने NIOS से, तो इस टाइप की मार्कशीट जो है वो नहीं चलेगी, कोई भी बोर्ड हो आपका लेकिन वो सिंगल बोर्ड होना चाहिए। उसे क्लास 12th के बाद आपका गैप है, कोई इशू नहीं है, नो इशू एट ऑल, कोई भी गैप हो कोई चक्कर नहीं है, आप अगर क्वालिफाई करते हैं टेस्ट आपको एडमिशन हो जाएगा। सो एज लिमिट, अगेन एक बहुत अहम फैक्टर, एज लिमिट, दोस्तों यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी आपकी एज है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं टेस्ट को तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जीसस एंड मैरी कॉलेज के अंदर। दोस्तों लास्ट पॉइंट है फीस, बहुत ही अहम दोस्तों पॉइंट फीस। सो फीस आपको पे करनी है यहाँ पर 29720, और दोस्तों जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक सेमेस्टर की फीस है, क्योंकि जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट आप सेमेस्टर, दोस्तों फीस है 29720, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव कोर्स। अगर आप हर सेमेस्टर में सेम फीस तो खैर नहीं होती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में फीस जो है ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर और ज़्यादा चार्जेस भी कॉलेज आपसे लेता है, तो आगे के सेमेस्टर में फीस कम हो जाएगी, लेकिन
फर्स्ट सेमेस्टर की फीस इज गिवन, तो वो मैंने आपको बता दी है, वो है 29,720 रुपीज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। दोस्तों ये था बी वॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर भी कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।